नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ केयर क्लास में। तो स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। देखिए स्टूडेंट्स, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 18 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल ऑफ द रूम इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर। हमें ध्यान से समझना है पहले कि हमें गिवन क्या है। गिवन है पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ द रूम। ये जैसे एक रूम है हमारा, ठीक है, जिसमें भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, वो हमारा ये एक रूम है। इस रूम का ये जो फ्लोर है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, इसकी फोर साइड्स का सम दिया हुआ है। तो एज वी नो कि कोई भी रूम हुआ वो एक रेक्टेंगल शेप में ही होता है। मोस्टली क्या, ज्यादातर रूम रेक्टेंगल शेप में ही होते हैं। तो रेक्टेंगल शेप में रूम है, उसका फ्लोर भी रेक्टेंगल है, उसकी सभी वॉल्स भी रेक्टेंगल है। वो फ्लोर जो रेक्टेंगल है उसमें आमने सामने वाली साइड इक्वल लेंथ की है, ठीक है, और दो आमने सामने वाली वो भी इक्वल है। तो जो पेरीमीटर दिया हुआ है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू 18 मीटर। पेरीमीटर जो है वो फ्लोर रेक्टेंगल है, तो फ्लोर का यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × length × breadth इज इक्वल टू 18। ये 2 जो इधर मल्टीप्लीकेशन में है वो उधर जाके डिविजन में हो जाएगा। उधर इसलिए ले जाना पड़ेगा, यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इसलिए। तो उधर ले जाएंगे तो ये 2 × 9 = 18 हो जाएगा। तो यानी लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो 9 की इक्वल आ जाएगी हमारी। देखिए, इससे ज्यादा सोल्व आगे हम क्या करेंगे। हमारे पास लेंथ और ब्रेथ में से कोई एक वैल्यू तो है नहीं, हमारे पास है हाइट, और यहाँ हाइट का कोई रूल है ही नहीं। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास 9 आई है। अब देखिए आगे पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम, और वॉल्स बोला है मीन्स कि जो रूम की चार दीवारी है उसका एरिया बताइए। आप एक वॉल का निकालिए, फिर दूसरे का, तीसरे, इस तरह चारों वॉल्स का एरिया निकालिए। देखिए ध्यान से समझिए, ये फ्लोर है, ठीक है, ठीक है, ये जो फ्लोर है इन सब का जो है हमारे पास पेरीमीटर था 18। लेंथ प्लस ब्रेथ 9 आ गई। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है, ये लेंथ, ठीक है। इस लेंथ और ब्रेथ का सम है हमारे पास, ठीक है, और एक हाइट है। हाइट तो कंप्लीट रूम की वही हो गई, तो सारी वॉल्स की भी हाइट वही हो गई, कितनी 3। सारी वॉल्स की जो लेंथ है वो है 3, ठीक है। देखिए ये है रूफ, ये वाली, ठीक है, और ये है फ्लोर। फ्लोर का जो है पेरीमीटर है 18, और हमारे पास अभी हमने निकाला था कि L प्लस B वो है 9, ठीक है, और हाइट ऑफ द रूम, हाइट जो रूम की हाइट है वो वॉल्स की लेंथ होगी, वो कितनी है, ये जो ऊपर है, ठीक है। तो अब देखो, मैं इस वॉल की, फर्स्ट वॉल है ये साइड वाली, चार दीवारी का निकालना है हमें, फर्स्ट वॉल की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट वॉल की हाइट मीन्स लेंथ तो हो गई 3, और ब्रेथ ये जो है वो इस फ्लोर की लेंथ है। तो उसे मैं L ही लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्लोर का लेंथ और ब्रेथ का सम दिया हुआ है, तो उसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है।
तो एल लिखेंगे प्लस। फिर हम सेकेंड वॉल की बात करेंगे इसकी, इसमें जो है हमारे पास लेंथ तो वही 3 और ब्रेड्थ जो है वो बी है, फ्लोर की भी ब्रेड्थ है ये, तो इधर बी का बी। फिर इस थर्ड वॉल की बात करेंगे तो वही आएगा 3 × L, क्योंकि ये जो है वो लेंथ है फ्लोर के लिए। फिर फोर्थ थर्ड वॉल, और अब फोर्थ वॉल के बारे में बात करूंगी, ये जो फोर्थ वॉल है ये वाली, तो इसमें ब्रेड्थ बी ठीक है और लेंथ वही 3 क्योंकि हाइट है ठीक है। अब इन तीनों को सम कीजिए, 3L + 3B + 3L + 3B ठीक है। सम किया तो 3L + 3L होएगा 6L और 3B + 3B हो जाएगा 6D। दोनों में 6 कॉमन है, ले लेते हैं L + B। हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है, बट जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, लेंथ और ब्रेड्थ जो है उनका सम। और ये इसीलिए हमने फ्लोर की तरह यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ लिखा था। अब आप समझेंगे कि ये तो लेंथ है इस वॉल की, यहाँ पे एल क्यों लिखा है, वो एल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो वॉल की ब्रेड्थ है वो फ्लोर की लेंथ है, इसलिए हमने यहाँ पे एल लिखा है ठीक है। और यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेड्थ का सम पता है, इसीलिए हम स्टार्टिंग से उसे इस तरह लेके चले। समझने वाली बात सिर्फ यही है कि जो फ्लोर की ब्रेड्थ है वो इस वॉल की ब्रेड्थ है, और जो फ्लोर की लेंथ है वो इस और इस वॉल के लिए ब्रेड्थ बनेगी, बट हमें यहाँ फ्लोर की तरह लेंथ लिखना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 6 × 9 और ये हो जाएगा 54 मीटर, 54 मीटर स्क्वायर, 4 की 4 वॉल्स का सम ठीक है। वॉल्स है, ये नहीं लिखा कि फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओनली लिखा फाइंड द एरिया ऑफ वॉल्स, तो हमें समझ जाना है कि चारों का निकालना पड़ेगा ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड की वैल्यू भले ही ना पता है, लेकिन लेंथ और ब्रेड का सम पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, सिर्फ एक लॉजिक हमें पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जो हाइट ऑफ रूम है ये इक्वल हो जाएगी लेंथ ऑफ वॉल्स ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीटर। जो रूम की हाइट है, इस रूम की हाइट जो है वो है 3 मीटर, तो इस वॉल की जो है वो लेंथ भी 3 मीटर हुई। ब्रेड्थ जो है वो फ्लोर की लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है, तो वो हमारे पास है नहीं, उसे हम यूं कहीं लिखते हैं। अब देखिए, सभी वॉल्स का एरिया, पहली वॉल का एरिया इसकी बात करते हैं जैसे, तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो सबकी लेंथ तो 3 मीटर ठीक है। 3 फर्स्ट वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, 3 × हमारे पास ये जो है वॉल की ब्रेड्थ फ्लोर की लेंथ है वो तो है नहीं, तो हम उसे यूं का यूं एल लिखते हैं ठीक है, क्योंकि फ्लोर में उसे लेंथ माना है और फ्लोर की हमारे पास इनका सम है तो हम वही लगा लेते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे ना समझ में आए, ये चीज हमें लानी तो पड़ेगी, आगे लाएंगे, यहाँ पे आप खाली लिख दीजिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पे आप डी लिख लीजिए ठीक है, प्लस नहीं हमें एल भी लिखना पड़ेगा ताकि अच्छे से। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर 160 मीटर ईच, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है 160 मीटर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर मीटर, रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 100 स्क्वायर मीटर कम है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ पता करनी है। सबसे पहली चीज जो हमें गिवन है वो है पेरीमीटर, दोनों का सेम है ठीक है। अब देखिए, पेरीमीटर सेम, सबसे पहले हम स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करते हैं। देखिए,
स्फीयर का पेरिमीटर है, पेरिमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 160, ठीक है। और देखिए स्क्वायर की पेरिमीटर का फॉर्मूला हम इसके नीचे लिख लेते हैं, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 160। तो साइड निकाल लेंगे, 4 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में है उधर जाके डिवीजन में ले जाएंगे, तो साइड इज इक्वल टू के उस साइड लेके जाते हैं तो ऑपरेशन चेंज हो जाता है। 4 से 4, 4 जो 60, तो साइड आ गई है 40 मीटर, ठीक है, मीटर में है 40 मीटर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होएगा, साइड इनटू साइड, ठीक है, साइड इनटू साइड मैंने ए लिखा है, तो 40 इंटू 40 वो हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि रेक्टेंगल का इससे 100 स्क्वायर मीटर कम है या 100 मीटर स्क्वायर कम है, तो मीन्स रेक्टेंगल का एरिया जैसा कि हमें दिया हुआ है, ये इसलिए लिखेंगे यहां पे, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1600 में से 100 माइनस करेंगे क्योंकि दिया हुआ है कि 100 लेस है उससे, तो 1500 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें रेक्टेंगल का एरिया पता है, ये है एरिया का फॉर्मूला, हमें रेक्टेंगल का एरिया तो पता लग गया, लेकिन हमारे पास लेंथ निकालने के लिए पहले ब्रेड्थ तो होनी चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, तो हम एक और रेक्टेंगल के पेरीमीटर को भी रख के देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले हमने स्क्वायर के पेरीमीटर का एनालाइज किया था, अब इसका गलत है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो भी 160 है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी 160 अपॉन 2, 2 से ये 80 पर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं इसकी जगह डायरेक्ट 80 लिख सकती हूँ, आपको करके बताया है तब लिख रही हूँ। अब देखिए लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमारा आ गया 80, इसको क्या करते हैं, एल की वैल्यू निकालने के लिए हम, या फिर बी की, एल की वैल्यू निकालने के लिए हम 80 बी को उस साइड लिख देते हैं माइनस बी, ठीक है, ये एल की वैल्यू निकाल ली हमने बी की टर्म्स में, तो हम ये जो एल की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है, इस एल की वैल्यू को इक्वेशन जो 1 लगाई है हमने, इसे इक्वेशन 1 मान लिया है जो हमने निकाला है, तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है, कैसे पुट करेंगे अभी देखिए, देखिए L इंटू बी जो है वो 1500 था, L है 18 माइनस बी, और इधर B पहले से भी है, B को हमने मल्टीप्लाई करेंगे, 80 बी माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1500, ठीक है। अब इन दोनों को उस साइड लेके जाएंगे, देखिए उस साइड लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर भी प्लस का हो जाएगा, 80 बी माइनस का हो जाएगा, और 1500 प्लस का है ये, ठीक है। अब हमें ऐसी दो फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे दो जो प्लस करे तो 80 हो और मल्टीप्लाई करे तो 1500 हो, ठीक है, तो ऐसे जो मेरे ध्यान में है इज इक्वल टू को उस साइड लिख देती हूँ,
जो मेरे ध्यान में है वो है -50B और -30B। देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए सही है या नहीं। इनको ऐड करेंगे तो 80 होगा, माइनस माइनस को ऐड करेंगे माइनस ही आता है, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। और 5 3 15 100 भी होगा, तो इसमें से बी कॉमन लेंगे तो अंदर बी -50 बचेगा, इसमें से -30 कॉमन लेंगे तो अंदर बी, यहाँ से -30 आ गया, बी माइनस कॉमन लिया तो माइनस और 50, ठीक है। 3 5 50 जीरो से जीरो फिर 1 0 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये जो एक ब्रैकेट है वो यूं की यूं कॉमन आ गई, तो इसको आगे लिख लेंगे और बच क्या गया, इधर बी बच गया और -30, ठीक है। इनको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कैसे, बी -50 इज इक्वल टू 0 और बी -30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बी 50 या बी 30, इनमें से एक जो है उसको बी मान लेंगे, तो जो हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी वो क्या बनाई थी, लेंथ इज इक्वल टू 80 -B, जिसको भी हम बी मानेंगे, बी 50 मानेंगे तो लेंथ ये मानेंगे तो लेंथ जो है वो 30 आ जाएगी, ठीक है इसके लिए। और अगर ब्रेड्थ 30 मानेंगे तो लेंथ 50 आ जाएगी, क्योंकि इनका सम जो है वो 80 है, ठीक है। जो भी आप मानो वो इनका आंसर। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन 3:2 एंड पेरिमीटर इज 20 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए ये रेशो है तो हमें सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ सपोज करने पड़ेंगे। क्या सपोज करेंगे, लेट लेंथ ऑफ, लेंथ के लिए मैंने एल लिखा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3x, ठीक है। पहले 3 लिखा है, मैंने 3x लिख दिया। लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये लेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज रेशो, तो हमें कोई ना कोई जो है अपनी तरफ से कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। अब पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 20। पेरीमीटर होता है 2 × length + breadth = 20, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गई 20/2, 10, ठीक है। लेंथ की जगह लेंथ 3x, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ 2x = 10, ये 3 + 2 कितना हो गया, 5x = 10, तो यहाँ पे 5x, x को इधर छोड़ेंगे और 5 को उधर लेके डिवाइड में, कितना आ गया 2x आ गया 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए 6, यहाँ पे भी पुट कर दीजिए 4, ठीक है। तो हमारी जो है लेंथ है ब्रेथ आ गई 6 और 4। अब हमें निकालना क्या है, आई तो लेंथ ऑफ ब्रेथ, हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको बताया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 6 × 4 24 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो थोड़ी सी लॉजिक वाली या थोड़ी समझने वाली बात थी वो थी कि हमें लेंथ और ब्रेथ की तरफ से लेट करनी है कॉन्स्टेंट एक्स लगा। देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मीटर मोर देन ब्रेथ एंड एरिया इज गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि लेंथ जो है वो 5 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, उसे लिखिए। लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 5 मीटर ज्यादा है, तो क्या ये लिखना गलत होगा, अगर मैं ब्रेड्थ में 5 ऐड कर दूं तो वो मेरी लेंथ के इक्वल हो जाएगा। मीन्स अब हर जगह मैं जो है लेंथ की ये वैल्यू ही पुट करूंगी जिसे मैंने इक्वेशन 1 मान लिया है, ठीक है। अब गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब मैं लिखूंगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो की है 750। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ 750। लेंथ की वैल्यू मैं रखने वाली हूँ b प्लस 5, इधर है b, उधर 750,
ठीक है, बी को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वेयर प्लस फाइव बी इज इक्वल टू 750। मीन्स ये इक्वेशन बनने वाली है, फैक्टर्स बनाने हैं 750 धरा के माइनस। अब हम एक ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं, ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें अगर हम उन्हें माइनस करें तो 5 5 और मल्टीप्लाई करें तो 750 आए, आपस में माइनस करें तो 5 5 और मल्टीप्लाई करें तो 750 आए। इस तरह के जो बनेंगे वो हैं बी स्क्वेयर प्लस 30 बी माइनस 25 बी। तो इन्हें आप देखिए मल्टीप्लाई करके तो आएगा 750 और माइनस करके देखेंगे तो आएगा 5। तो हमने क्या किया है कि इसको प्लस का लिया है क्योंकि ये 5 प्लस का है, ताकि बड़ा प्लस का आए, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस को तो हमेशा माइनस ही होगा। अब कॉमन लीजिए बी को, अंदर बचेगा इसमें से एक बी और 30, यहाँ से 25 को कॉमन लेंगे और माइनस को, तो यहाँ से बचेगा बी, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा प्लस, और 25 को इससे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0 है ये। अब ये और ये जो है सेम हो गई ब्रैकेट, इससे बाहर लिख लेंगे, अंदर यहाँ से बचेगा बी और इसमें से बचेगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इसके इक्वल में 0 लेंगे और इसके इक्वल में 0 लेंगे। यहाँ ब्रेथ जो है वो माइनस आ रही है और यहाँ आ रही है 25, इसीलिए ना ठीक रहेगा माइनस से ब्रेथ नहीं लेते। तो लेंथ कितनी होगी, अगर ब्रेथ को हम मानेंगे 25 तो ब्रेथ प्लस 5 होके हो जाएगी 30, ठीक है, सॉरी लेंथ हो जाएगी 30, तो लेंथ ही हमसे पूछी थी 30 मीटर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक मेन जो पहली लाइन देखते ही हमने ये अंदाजा लगा लिया कि लेंथ अगर 5 मीटर ज्यादा है तो मैं ब्रेथ में ऐड कर दूं तो वो लेंथ मुझे मिल जाएगी, ठीक है, तो मैंने वही किया। और फिर एरिया गिवन था तो एरिया वाली इक्वेशन में मैंने लेंथ की वैल्यू ये पुट करी जिससे मुझे एक इक्वेशन मिली, उसके मैंने फैक्टर्स बनाए और फैक्टर्स सोल्व करने पर एक माइनस की वैल्यू मिली और एक प्लस की, प्लस वाली वैल्यू लेंगे और उसे 5 ऐड करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करें। देखिए फ्रेंड्स, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इफ द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 72 मीटर। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, ठीक है, ये है इसका पेरीमीटर जो है वो है 72 मीटर। तो जो गिवन है उसे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब आप बोलोगे कि मैंने बताया था कि सर्कल का हमेशा सर्कमफ्रेंस होता है, बट यहां पे गिवन है पेरीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेरीमीटर क्यों लिख रही हूं, क्योंकि ये जो सर्कल सेमी सर्कल है उसका अब क्या होता है पेरीमीटर कि यहां से चले और यहीं भी पहुंचना है हमें, पूरा वही बताया था, मीन्स पूरी बाउंड्री। सेमी सर्कल की बाउंड्री क्या सिर्फ ये है, नहीं, ये लाइन भी आती है उसमें, डायमीटर भी आता है, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का मीनिंग एक ही होता है, बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री, ठीक है। और यही वजह है कि मैंने ये डायमीटर या फिर डबल ऑफ रेडियस 2r भी बोल सकते हैं, रेडियस की टर्म्स में लिखा है क्योंकि r निकालनी पड़ेगी एरिया के लिए, इसीलिए मैंने 2r लिखा है, ठीक है। तो 2πr तो होते हैं कंप्लीट सर्कल की, है ना, तो उसका हाफ करेंगे हम, ठीक है, बिकॉज हमें सिर्फ हाफ सेमी सर्कल की चाहिए, बट वो फिर सिर्फ ये आएगी तो ये 2r अपनी तरफ से हमें ऐड करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल तो हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, आर नहीं है तो आर यू का यू प्लस 2 × r, आर जो है कॉमन ले लेंगे, 22/7 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व, आर 7
का एलसीएम ऊपर 22 यहाँ भी था तो ये 14 हो जाएगा और यहाँ पे ऐड होके होगा 63 है ना 63। स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार 72 जो पेरीमीटर था वो हमने साथ में लिखा था वो भी लिख रहे हैं तो पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू 72। ठीक है पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर प्लस 2 आर। आर कॉमन ले लिया 7 एलसीएम लिया अंदर आगे 22.2 ये नहीं होगा योग। अब 7 एलसीएम लिया 7 और ये 1 से मल्टीप्लाई 22 का 22 फिर यहाँ पे जो है 7 × 2 = 14। ठीक है एलसीएम जैसे सॉल्व करते हैं इसे ऐड किया 36/7 आ रहा है जो कि 72 के इक्वल है बिकॉज इट इज पेरीमीटर। अब जो है आर को उधर छोड़ेंगे अकेला और 7 जो डिवीजन में है उसे ले जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और 36 जो मल्टीप्लिकेशन में है उसे ले जाएंगे डिवीजन में। 36 से ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा आर आ जाएगी हमारी 14। तो मेन प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो गई है। संडे सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई 22/7 ये 1/2 जो है बाहर निकाल लेंगे। आर है 14 तो 14 × 14 7 × 2 = 14 2 से 2 कैंसल 22 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 2 = 28 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया होगा सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल है तो इसलिए एरिया अपॉन 2 होगा। ठीक है तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं सर्कल रेक्टेंगल स्क्वायर सबसे रिलेटेड। ठीक है इन सबने 2D के कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स तो आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगी मैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।